नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है पंचायत स्तर पे, जब से 3-tier सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। और हमने देखा कि पिछले 2 सालों में चाहे DDC मेंबर हों या BDC मेंबर हों, उनकी इलेक्शंस जो हैं पहली मर्तबा करवाई गई। और इसके साथ साथ जो है इलेक्शंस के साथ साथ जो वहाँ के मेंबरान हैं, पंचिस सरपंचिस, उनको एम्पावर किया गया गांव के काम के लिए, अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए। और वहीं आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूँ, वो जम्मू कश्मीर UT के जो हैं सबसे यंगेस्ट DDC मेंबर हैं, पंचायती मोंगरी से बिलोंग करते हैं। और मैं जसवीर सिंह जी की बात कर रहा हूँ। जसवीर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत नमस्कार सर। जसवीर जी, मेरा सवाल आपसे पहला यही रहेगा, मतलब ये मेरा नहीं जनता का भी सवाल है, जिस तरीके से 3-tier सिस्टम जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया गया है और आप एज ए यंगेस्ट मेंबर उसमें आपने हिस्सा लिया, तो क्या बदलाव देखा आपने तब से 3-tier सिस्टम के इम्प्लीमेंट होने के बाद? देखिए, डेफिनेटली जब भी हम कोई नई चीज़ लेके आते हैं तो परिवर्तन तो आता है। और क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और शुरू से पढ़ते आए हैं कि 73वां 74वां जो संशोधन था, इसको लागू करना क्यों जरूरी है या इससे क्या परिवर्तन जम्मू कश्मीर में ज़मीनी स्तर पर लाया जा सकता है। और डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया, एक नए दौर का आगाज़ था, एक नई शुरुआत थी और हमने अच्छी शुरुआत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ग्राउंड लेवल पे सबसे बड़ा जो परिवर्तन, पहला परिवर्तन आता है, वो ये आता है कि जो पब्लिक की जो समस्याएं हैं उनको सुनने वाले जो नुमाइंदों की संख्या है वो बढ़ती है। और कहीं ना कहीं पब्लिक जो है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे जिनको डील किया जा सकता है, या फिर हमेशा आम लोग, क्योंकि जहां तक हम पंचायती राज को देखेंगे तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं आमतौर पर वो बड़े ऑफिसेज तक नहीं पहुँच पाते, तो कहीं ना कहीं जब बीच में एक जब नुमाइंदे आते हैं तो वो एक चैनल का काम करते हैं बिटवीन पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में। तो डेफिनेटली परिवर्तन तो आया है और मुझे लगता है कि इसमें अभी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है, अभी एक लंबा सफर जो है वो तय किया जाना बाकी है, लेकिन हमने शुरुआत अच्छी की है। परिवर्तन आया लेकिन एक लंबा सफर जो है वो तय करना बाकी है। उस परिवर्तन से जो लोक हित के कार्य हैं, जिस तरीके से सरकार ने अभी डिसेंट्रलाइजेशन करके एम्पावर करने की कोशिश की गई है, आपको लगता है कि उसमें जो लोक हित के कार्य को जो है वो एड्रेस जल्दी से हो रहा है, उसमें स्पीड पकड़ी है, जो पहले कुछ कार्य नहीं होते थे वो आज की डेट में हो रहे हैं? ये जनता इसलिए जानना चाहती है क्योंकि आप यंगेस्ट मेंबर हैं। पहले जो कोई भी होता था, सरपंच पंचायत होते थे, इलेक्शन होती थी नहीं होती थी, उसके बाद BDC की DDC की इलेक्शन कभी देखी नहीं, जहाँ BDC की इलेक्शन देखी गई, DDC की हुई नहीं, तो उसमें से लोक हित कार्य में कोई स्पीड पकड़ी है? देखिए सर, पहले तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं पंचायती राज को मजबूत करने में। आप देखेंगे कि कब जाके हम जो है वो 21वीं सदी के 3rd दशक में जो है, जब देश को 70 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, तब हम इस पे जो है वो प्रॉपर तरीके से हमने काम करना शुरू किया है। तो अभी तो हम एक तरह से जागे ही हैं, तो अभी एक लंबा सफ़र तय करना बाकी है। यहाँ पे ये है कि पॉलिसी मेकिंग में अभी हमें बहुत सारी चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 73वां 74वां जो 74वां संशोधन है, इसको लागू करना एक अलग चीज़ है और उसको ग्राउंड तक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ है। यहाँ से मैं देखता हूँ अभी फिलहाल हमारी, मुझे लगता है कि अधिकतर क्या कंप्लीट, कोई कुछ चंद पंचायतों को छोड़ के कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसके पास अपने एसेट्स हों। अभी उनको लॉन्ग टर्म में अपने एसेट्स क्रिएट करने, अपनी इनकम क्रिएट करनी, अभी उनकी अपनी इनकम नहीं है। अभी या तो वो यूटी के पैक्स पे डिपेंडेंट है, या फिर डिस्ट्रिक्ट के पैक्स का जो पैसा है उस पर निर्भर करते हैं, या फिर वो केंद्र सरकार से कोई सीधी मदद आए। कितना जरूरी है कि जो पंचायत लेवल पे आप कह रहे हैं एसेट्स क्रिएट करने की जरूरत है, रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत है, कितना जरूरी है? देखिए, मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा आपको। जैसे अभी फरवरी मार्च में हम साल 2022-23 जो वित्तीय वर्ष होगा उसके लिए हम अपना प्लान तैयार कर रहे हैं, ठीक है सर। जब हम फरवरी और मार्च में अपना प्लान दे देंगे, यानी कि अगले साल हम ये काम करने वाले हैं, जैसे मुझे मान लीजिए 100 रुपये आया है, तो मैं फरवरी और मार्च में बता दूंगा कि मैं ये 100 रुपये कहाँ, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, पब्लिक की ज़रूरतें क्या हैं, यहाँ खर्चना चाहता हूँ। अब मान लीजिए मुझे अगस्त में कोई ज़रूरत पड़ती है, सितंबर में कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी के बिजली का पोल गिर जाता है या कहीं पाइपलाइन डैमेज हो जाती है, तो इस टाइम जो है वो गवर्नमेंट की ओर से लगभग जो ये रिपेयरिंग वर्क्स थे, जैसे PHE का है, जयवन जो है इलेक्ट्रिसिटी का है, उसमें फंडिंग बहुत कम हो गई है। यानी गवर्नमेंट अब सिर्फ, जैसे मैं PHE की बात करूं तो गवर्नमेंट ने सिर्फ जो है जल जीवन मिशन को सारा पैसा दिया है, सबसे बजट में भी सबसे ज्यादा उसी को पैसा दिया, डेफिनेट उसको दिया है, लेकिन रिपेयरिंग को नहीं दिया। जो पाइपें टूट गई हैं, पुरानी पड़ गई हैं, उसको पैसा कौन देगा? मिसलेनियस वर्क को नहीं दिया। वही बात है सर। तो मेरे कहने का मतलब, जब पंचायत के पास अपने एसेट्स होंगे तो ये छोटी मोटी जो हमारी चैलेंजेस रहते हैं तो ये पंचायत अपने लेवल पे ढील कर पाएगी। उसके लिए लोगों को जो है सेक्रेटरी तक नहीं आना पड़ेगा या DC ऑफिस तक नहीं आना पड़ेगा। तो डेफिनेटली पंचायती राज को मजबूत करने में हमें एक लंबा सफर तय करना है। और जनाब, ये हमारा विजन नहीं है, ये उन लोगों का विजन है जिन लोगों ने मुल्क को आज़ाद कराया, ये उन लोगों का विजन है जिन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी, ये उन लोग जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, जिसमें पंडित नेहरू भी थे और उसके बाद के तमाम वो नेता
बाद के जो काम करते चले गए, और लगातार तमाम लगभग सारी सरकारों ने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन खासकर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे लिए नया दौर है क्योंकि हम आज अभी इसको लागू कर रहे हैं। हमारे लिए नया दौर है जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से 3-tier system जहाँ पे शुरू किया गया है, और शायद यही एक वजह है कि इम्प्लीमेंट तो हो गया लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में कहीं ना कहीं जो है वो अभी सेंट्रलाइजेशन करने और डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके बाद ही शायद कुछ चेंजेस मिल सकते हैं। क्या 3-4 जो पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट तो हो गया लेकिन उसमें होने चाहिए, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, थ्योरेटिकली कुछ और होता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और होता है, तो उसमें क्या पॉइंट जो है इन्वॉल्व होने चाहिए सो दैट कि वो काम अच्छे से चले? देखिए पंकज जी, मैं जिला पार्षद हूँ, DDC काउंसलर हूँ, और जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जम्मू यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस में थे, तो सोचते थे कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी काउंसलिंग करने का मौका मिलेगा, जब कभी हम कमेटी मेंबर बनेंगे, तो डेफिनेटली जो पूरी यूटी की पॉलिसीज होंगी उसमें जो है हमारा भी कुछ शेयर रहेगा पॉलिसी मेकिंग में। लेकिन हमारा बोले तो मतलब थोड़ा सा ब्रीफ, हमारा इन द सेंस के 39,025 सरपंच का, जिनके जिक्र जो है माननीय गृह मंत्री जी कुछ दिनों पहले कर गए हैं जम्मू कश्मीर में, कि रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देखेंगे अगर मैं उनको थोड़ा सा कम आऊं तो जो 278 से 280 के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, DDC काउंसिल या 20 DDC काउंसिल्स हैं, मैं उनका भी आपको अगर शेयर बताऊं, आपको 14 महीने हो चुके हैं, 28 दिसंबर 2020 को जो थी वो मैंने शपथ ली थी, आज तक मेरे ध्यान में कोई एक भी पॉलिसी नहीं आती जम्मू कश्मीर की जिसके संबंध में कभी जो है पूछा गया हो DDC काउंसिल्स को कि जनाब आप अपनी राय दीजिए, काउंसिल क्या चाहती है। जरा मान लीजिए कोई पॉलिसी बनानी है स्टेट को, तो हमारी काउंसिल में कोई चिट्ठी आई हो जिसमें ये कहा गया हो कि जनाब आप हाउस को बुलाइए, चर्चा कीजिए, और अपनी उधमपुर काउंसिल की ओर से ये सलाह दीजिए सरकार को कि जनाब इस पॉलिसी में ये किया जा सकता है। पिछले 14 महीनों में मुझे लगता है कि एक सिंगल चिट्ठी नहीं आई जिसपे काउंसिल की राय पूछी गई हो, यानी कि पंचायती राज की राय नहीं पूछी जाती। पॉलिसी कहाँ से आ रही है फिर, वो जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? देखिए अभी मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि पॉलिसी आ रही है 5-6 लोगों से, जम्मू कश्मीर को जो पूरा जम्मू कश्मीर यूटी इस टाइम रन हो रही है, 5-6 लोग रन कर रहे हैं, वहीं से पॉलिसीज आती हैं। पिछले दिनों स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, मुझे लगता है, मैं चैलेंज करता हूं किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी समाचार पत्र ने, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स पॉलिसी पे डिस्कस हुआ होगा कि किस तरीके की J&K में स्पोर्ट्स पॉलिसी चाहिए, जहाँ उस पर कोई चर्चा चल रही है, या सरकार जो है वो पॉलिसी बनाना चाहती है। जिस दिन मुझे मौका मिला प्रेस से इंटरेक्ट करने का कि एक नई यूथ और स्पोर्ट्स पॉलिसी की J&K को ज़रूरत है, उसके 6 दिन बाद स्पोर्ट्स पॉलिसी आई जनाब, लेकिन रातों रात आई, कोई पता नहीं कि कहाँ चर्चा हुई, कहाँ से इसको कॉपी किया गया, किसके साथ इसको डिस्कस किया गया। ठीक है, एक्सपर्ट की राय बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन आप जिन यूथ को टारगेट करना चाहते हैं, क्या आपने उनमें से किसी को भी पूछा? और छोड़िए, क्या आपने जो उस फील्ड के मेडलिस्ट हैं, उस फील्ड के जो यूथ स्पेशलिस्ट हैं, क्या उनको पूछा कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं स्पोर्ट्स खेलना चाहता हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं पूछा जनाब मुझे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, किस तरीके की पॉलिसी की ज़रूरत है, खुद ही फैसले कर दिए कि ये रहेगा इस तरीके की स्पोर्ट्स पॉलिसी। यानी कि आप कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं जो पॉलिसी मेकिंग पे जो एंड टर्म यूजर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन जीरो है। देखिए जम्मू कश्मीर जनाब 20 जिले ऐसे नहीं चलेंगे, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं कहता आया हूँ, आज दोबारा कठोर शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर को आप इस तरीके से रन नहीं कर सकते, पार्टिसिपेशन जरूरी है। देखिए डेमोक्रेसी का मतलब ही पीपल्स पार्टिसिपेशन है, और पीपल्स पार्टिसिपेशन तो जनाब दूर की बात है। आपने 20 DDC काउंसिल्स हैं, मैं एक बार भी क्या पूछा कि जनाब स्पोर्ट्स पॉलिसी भी अपने जो है वो सुझाव दीजिए? एक बार भी सिंगल हताश दिख रहे हैं आप स्पोर्ट्स पॉलिसी? मैं जनाब हताश इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से निकला हूँ, हो सकता है पॉलिटिकल फील्ड का जो है वो एक्सपीरियंस 1 साल का है जनाब, लेकिन सोशल फील्ड में पिछले 10 साल से हूँ, और मैं यूथ से जुड़ा रहा हूँ। 2012 में मैं जब MM कॉलेज में पढ़ने आया था जम्मू में, तो तब मैंने NSS ज्वाइन की थी, और मेरे जितने सहयोगी हैं वो जानते हैं कि इसमें मेरी सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, मैंने 10 साल समाज सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, और इसीलिए भारत सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा था। और उस टाइम मैंने कहना शुरू किया था कि जनाब जो हमारे मित्र राष्ट्रीय मंच पे बैठते हैं वो बताते हैं कि उनकी स्टेट हरियाणा बताता है, मेरे हरियाणा के दोस्त बताते हैं वहाँ की स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है, देश के अन्य कई स्टेटें बताती हैं कि हमारी यहाँ की यूथ पॉलिसी क्या है। तो मैंने तब कहना शुरू किया था कि J&K में डिस्कस होना चाहिए यूथ और स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में, लेकिन यहाँ 2-3 हमारी बदकिस्मती है। एक कि यूथ और स्पोर्ट्स पॉलिसी के बीच का डिफरेंस आज तक जम्मू कश्मीर की लीडरशिप तय नहीं कर पाई। दूसरा, आज तक जम्मू कश्मीर में यूथ और स्पोर्ट्स पॉलिसी पे डिस्कशन नहीं हुआ। डिस्कशन आपने ड्राफ्ट बनाया होगा, रात को बनाया होगा, सुबह साइन कर दिया, वो मैं नहीं जानता, ठीक है ना। तीसरा, 70 से 80 लाख युवा, मैं हमेशा कहता हूँ कम कर दीजिए, आप मानिए जम्मू कश्मीर में 50 लाख युवा है, आपने स्पोर्ट्स पॉलिसी ला दी, क्या आप स्पोर्ट्स पॉलिसी के जरिए 50 लाख लोगों की पावर को चैनलाइज कर देंगे? 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख को करेंगे, जो पीछे 40 लाख बचेंगे उसके लिए तो यूथ पॉलिसी लानी पड़ेगी। इन्हीं क्वेश्चन से चलते वो पार्टिसिपेशन नहीं की गई हो,
देखिए मैं हमेशा कहता आया हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि अगर जो लोग द पीपल सिटिंग एट हेल्म ऑफ अफेयर्स, अगर उनको नहीं बनानी है पॉलिसी, कोई बात नहीं, हम बनाएंगे ना, हमने कब इनकार किया। ये सत्ताएं आती जाती रहेंगी, कुर्सियां आती जाती रहेंगी, आज मैं काउंसिलर हूँ, पॉसिबल है कल पब्लिक मुझे इलिमिनेट करे, मैं डिक्रीज कर जाऊँ, हो सकता है कल मैं इंक्रीज कर जाऊँ अपने लेवल में, तो ये आती जाती रहेंगी। हमारे जब भी हमारे साथी कोई नई गवर्नमेंट में आएंगे, मैं हमेशा कहूँगा कि आप जनाब चर्चा करिए और पॉलिसी बनाइए, चर्चा करिए और पॉलिसी बनाइए, चाहे वो थ्री टायर सिस्टम हो या फिर स्पोर्ट्स पॉलिसी का जो न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई उसकी बात हो। तो जसवीर सिंह जी ने साफ तौर पे कहा है इसमें पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम है, शायद यही एक बड़ा कारण है कि जब पंचायत में या किसी डिस्ट्रिक्ट जिला के अंदर जब काम होता है तो अगर प्रपोजल के बाद का कोई इमरजेंसी काम हो तो वो उनके पास फंड्स नहीं है। मैं बात करूंगा पंचायती और वगैरह इलाके की, जहां पे आप हिली एरिया से आते हैं, और मैं जब खुद व्यक्तिगत तौर पे वहां पे विजिट करता हूं तो मैं देखता हूं कि रोड्स की हालत खस्ता है, वहां के स्कूल्स की हालत खस्ता है। इनफैक्ट लोग जो हैं वो कहते हैं कि रात के समय में अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या प्रपोजल है, क्या प्लान है इन सारी चीज़ों को अपग्रेड करने का? देखिए सर, DDC काउंसिलर के तौर पर, क्योंकि मैं मेंबर हूँ डिस्ट्रिक्ट रोड काउंसिल का, तो मेंबर के तौर पर मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको जो उठाकर, पब्लिक से उठाकर वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना। और मुझे लगता है कि एक साल में मैंने ईमानदारी के साथ मुद्दे उठाने वाला काम तो किया है। जहां तक उन मुद्दों को सॉल्व करने का सवाल है, जैसे रोडों का बात किया मैंने, तो पंचारी मोंगरी के मुझे लगता है कि 95 से 97% जो रोड्स हैं वो इस टाइम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आते हैं, जिसको सीधा जो है वो केंद्र सरकार से फंडिंग आती है। पैसे की कोई कमी नहीं, ईमानदारी के साथ कहूँगा, ठीक है ना। बड़ा अच्छा विजन था वाजपेयी साहब का, और उसके बाद PMJSY चलता आया और हमने गांव तक जो है वो रोड पहुंचाए। लेकिन यहां दो चीज़ें बड़ी जनाब चैलेंज करने वाली हैं हमारे लिए, जो बड़े चैलेंज रहते हैं, एक कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, दूसरा उसकी क्वांटिटी को, दोनों जरूरी हैं। क्वांटिटी को यानी कि टाइमली उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी मीडिया उसको उठाती रहती है, सारे लेट चल रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन हमने कंटिन्यूसली उस पर चर्चा की है। और इस बात क्या वजह रही जो रिलेटेड है? देखिए उस पर उसके दो वजहें रहती हैं, एक कि टाइमली एक्शन नहीं करना। ओके। जब मुझे पता है कि ये काम गलत हो रहा है और मेरे हाथ में पावर है, अगर मैं एक्शन नहीं करूंगा उस पर, तो मीन्स कि मैं तो जिम्मेदार हूँ जनाब उसका, मैं जिम्मेदार हूँ। तो टाइमली एक्शन नहीं करना, कोऑर्डिनेशन की कमी और एक प्रॉपर सुपरविजन की कमी रही है जनाब। जब मैं वहाँ पे आया था तो पिछले एक साल में हमने कोशिश तो की उसको रीबिल्ड करने की, उसको चैनलाइज करने की, उसको जो है वो एक प्रॉपर तरीके से लेके चलने की, लेकिन मुझे लगता है कि एक साल में उसको दोबारा से शुरू करना, उसको जो है सेटअप को प्रॉपर तरीके से करना, उसी में लग गया। अब हमारी कोशिश है कि उसको चैनलाइज करेंगे, और अब जो है वो इस पर लॉन्ग मीटिंग्स हुई हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भी काफ़ी एक्शन लिया है, हमारे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, पिछले दिनों उस पर लंबी मीटिंग हुई है और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कंसर्निंग कॉन्ट्रैक्टर्स को, ऑफिसर्स को, कि अब जो है वो टाइम आ गया है कि आप इस पर जो है वो निर्णायक कार्रवाई करें। यानी कि जो कहीं ना कहीं आप मांग रख रहे हैं, जो बात है जनता की रख रहे हैं, उसके ऊपर सुनवाई हो रही है। देखिए अब इसमें यह है कि सुनवाई तो हो रही है, लेकिन अब कितना हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि एक टाइम था जब मैं कहता था कि ये ना रोड बड़े खराब हैं, खस्ता हालत है, हम गालियां देते थे लीडरों को, आज लोग आपको, आज मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको अपनी नाकारी समझता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए 250 करोड़ रुपया मेरे गांव में लग रहा है, मेरे पूरे इलाके में लग रहा है रोड्स नेटवर्क पे, और पैसा आने के बावजूद 4 साल पहले पैसा आ गया था, और अब 4 साल पहले पैसा आने के बाद अगर उसी रोड पे आज भी खड्डे हैं, तो जनाब जिम्मेदार तो मैं भी हूँ, कल्प्रिट तो मैं भी हूँ। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जनाब दौर बदलता है, वक्त बदलता है, और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इनको भी मुझे लगता है कि अब 4G आपको 5G की स्पीड पे लेके चलना पड़ेगा, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अदरवाइज मुश्किल है जनाब। प्रोजेक्ट्स को जो है वो स्पीडली काम करना पड़ेगा, तभी जो है ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। काम तो हो रहा है, जसवीर जी से हम बात कर रहे थे इससे तो यही जाहिर हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन उसमें स्पीड और पार्टिसिपेशन, जनता की पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन जो है लोकतंत्र में बड़ा जरूरी है, यही जसवीर जी कह रहे हैं। जसवीर जी, मैं अभी थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल करूंगा और आखिरी सवाल रहेगा आपसे, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। सबसे पहले कि आप छोटी सी उम्र में आप पॉलिटिकल कैरियर में आ गए, क्या सोच के आए थे? मैं सवाल क्या सोच के आए थे और कितना चैलेंज रहा तब से लेके जो लगभग 2 साल का समय होने जा रहा है, वो कितना चैलेंज रहा और आने वाले फ्यूचर में क्या रोड मैप है? देखिए एक तो ये मैं जिस जहाँ से निकल के आता हूँ, जहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो सारी दुनिया जानती है एक आम परिवार से बिलोंग करता हूँ, और DDC बनने के बाद मेरे घर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी मेरे एसेट वहीं के वहीं हैं, आज भी मेरा घर वहीं के वहीं है, घर छोड़ के आया था मैं 1 साल पहले और आज भी वहीं हूँ। उन सारी प्रॉब्लम्स को देख के आया हूँ, पढ़ के आया हूँ,
है ना, तो सारे चैलेंजेस को फेस किया है और देश ने इतनी छोटी सी उम्र में जिसको इतना कुछ दे दिया वो देश से और क्या मांगेगा। मुझे लगता है कि अब मेरी ड्यूटी है देश को। सवाल मेरा ये है कि वो दो साल में आपको क्या चैलेंज फेस करने पड़े? वो तो बैकग्राउंड के चैलेंज सबसे बड़े चैलेंज यही है जनाब कि जब आप परिवर्तन करते हैं जी, तो यहाँ एक सोच है, कंजर्वेटिव सोच है जो इतनी आसानी से परिवर्तन करने नहीं देती। और जहां तक भविष्य का सवाल है तो कोशिश यही है उस कंजर्वेटिव सोच को बदलना जनाब। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आज आपके माध्यम से भी कहूंगा जनाब, जम्मू कश्मीर इतना खूबसूरत प्रदेश है, इसको इतना विकसित किया जा सकता है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था का तो एक चौथा पिलर बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों की इकोनॉमी से इसको ज़्यादा स्ट्रांग किया जा सकता है। और इसमें अगर सिंगापुर इतनी तरक्की कर सकता है अपनी मेहनत के दम पे, इतना आगे निकल सकता है, तो जम्मू कश्मीर तो इतना बड़ा और खूबसूरत प्रदेश है जनाब। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने हमेशा कहा है, आज फिर कह रहा हूँ कि बिना 20 जिलों को इक्वली, अब वो नहीं रहा कि आप एक रीजन को कम देंगे, एक डिस्ट्रिक्ट को कम देंगे, दूसरी को ज़्यादा ध्यान देंगे, नहीं, अगर आपको पूरे जम्मू कश्मीर की तरक्की करनी है और नया जम्मू कश्मीर बनाना है तो पूरे 20 जिलों को साथ लेके चलना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर के हर जिले में कुछ ना कुछ स्पेशल है जनाब, और अगर हम उसको चैनलाइज करते हैं, और ये जो 70-80 लाख जिस यूथ की बात कर रहा हूँ, अगर इनको हम मंच देते हैं बजाय इसके कि उन पर लाठीचार्ज करें, अगर इनको हम मंच देते हैं तो मुझे लगता है आप तंज भी कस रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यही युवा जनाब ये पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं जनाब, हमें इनको बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, और अगर आप नहीं संभाल सकते तो हमें दीजिए चांस, हम बात है तो चैनलाइज करने की। जसवीर जी, आपने बात की थी 20 जिलों की, तो मैं सिर्फ एक दो लाइन में जानना चाहूँगा, जो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल आया उसमें अभी आपका जो है उधमपुर वेस्ट में कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गया है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? जनाब हम हमेशा से चाहते थे कि पहाड़ी क्षेत्रों को अपनी पहचान मिले, क्योंकि शहरों ने काफ़ी तरक्की की है और मौके मिले हैं शहरों के, हम चाहते थे कि पहाड़ी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी उस डिमांड को पूरा नहीं किया गया, और डेफिनेटली हमारी आपत्तियाँ हैं और आपत्तियाँ रहेंगी भी, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से हम उन आपत्तियों को दर्ज भी करेंगे और उम्मीद करेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा इस चीज़ को माना है कि परिसीमन आयोग हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो एलजी प्रशासन हो, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इम्पार्शियल तरीके से काम करें, क्योंकि परिसीमन किसी एक लीडर के उठने या बैठने की कहानी नहीं हो सकता, किसी पार्टी को खत्म करने या खड़ा करने की कहानी नहीं हो सकता, ये परिसीमन है 125 करोड़ जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए। तो डेफिनेटली जो भी फैसला आए, क्योंकि अभी अंतिम प्रपोजल इसका आना बाकी है, अंतिम ड्राफ्ट आना बाकी है, अभी तो उसको पब्लिक डोमेन में लाना बाकी है, तो काफ़ी सारी उम्मीदें अभी भी बची हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तो फिलहाल हम उतना कोई कड़वा जो है कमेंट नहीं करेंगे, पर मैं यही कहूँगा कि अभी भी मेरी यही अपील आपके माध्यम से कि इस पर काफ़ी कुछ करने की जरूरत है जो है वो परिसीमन आयोग को, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को, ताकि जो है लोगों के इश्यूज को जो है वो एड्रेस किया जा सके, लोगों के इशू को एड्रेस किया जाए, और इम्पार्शियल तरीके से जो है डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल होना चाहिए। जसवीर जी, जो 20 जिलों की आपने बात की है, उनके DDC और आपके पंचायती इलाके के जो लोग हैं जिनके लिए आप कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी, मेरा यही मैसेज रहेगा कि नया जम्मू कश्मीर तो हम बनाएंगे जनाब, कैसे भी बनाएंगे वो तो बनाएंगे, और उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और हम सब करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं 20 जिलों की बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर के सारे युवा साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है। नई सोच है, हमें देखिए विश्वास करना पड़ेगा, यहाँ ये ट्रस्ट वर्ड है ना, विश्वास शब्द है, इसके बड़े मायने हैं, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे उन पर तो मुझे लगता है कि काम नहीं होगा, और हम साथ मिलकर काम करेंगे, अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे, अपने सारे जो ऑब्जेक्टिव जो टारगेट हमने सेट किए हैं डेफिनेटली उनको अचीव करेंगे, और हो सकता है कि कभी कभी हमें सूखी रोटी खानी पड़े नमक के साथ, तो वो भी खाएंगे हम, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको इतनी बुलंदियों पर जरूर ले जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनके लिए हम एक अच्छा और बेटर प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार कर सकें, और जो है वो ये दिखाएंगे दुनिया को कि हम किस तरीके से जो हमारा जो कैपेबिलिटी है उसको चैनलाइज करना हम जानते हैं, हमें हर चीज़ बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है जनाब, हमारे पास अपने पास टैलेंट और कैपेबिलिटी है जो दुनिया को रास्ता दिखाना जानती है जनाब। जम्मू कश्मीर के पास अपने कैपेबिलिटी है, अपने रिसोर्सेज हैं, उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, और नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे आने वाले फ्यूचर के लिए, अच्छा जम्मू कश्मीर बनाएंगे, लेकिन उसके बनाने के लिए हमें मिलजुल के काम करने की जरूरत है। ये मैसेज रहा आज जसवीर सिंह का, जो DDC मेंबर है पंचायती से, और बड़ी अच्छी बातें की हैं उन्होंने कि बदलाव तो आया, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी है, जो लोकल पार्टिसिपेशन है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और डिबेट और डिस्कशन की कहीं ना कहीं कमी है, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, या फिर जो फंड्स आ रहे हैं 3-tier सिस्टम के लिए उसकी बात हो, बड़े बेबाक तरीके से इन्होंने बात रखी और बड़ा तंज कसते हुए, हालांकि इन्होंने कुछ सीधे तौर पे बात नहीं की, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन प्रपोजल को इम्पार्शियल होते हुए काम करना चाहिए, ये भी इन्होंने कहीं ना कहीं बात रखी है। आपके इलाके की क्या प्रॉब्लम है हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जसवीर सिंह जी ने जो कहा इसके बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि कितना आपको अच्छा लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये वाकई में आपके इलाके में हो रही हैं। तब तभी देख रही ग्रेटियम वर्चुअल कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद। We'll be right back.